और इसी हवाले से आपको मजीद बताते चलें कि एक बशर दो शजर पीएचई की शजरकारी मुहिम के जरिए मियां प्लाजा जौहर टाउन से शहरी शाम 4 बजे तक शनाख्ती कार्ड दिखाकर दो मुफ्त पौधे हासिल कर सकते हैं। तो आपको बताते चलें कि शहर भर में शजरकारी मुहिम का आगाज हो चुका है। इस हवाले से मजीद जानते हैं उमर असलम से। उमर असलम बताइएगा। मियां प्लाजा जोहर टाउन के बाहर जहां पर पीएचए की जानिब से आज शजरकारी मुहिम के सिलसिले में एक बशर दो शजर यानी शहरियों को मुफ्त जो है वो पौधे दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ पौधे दिए जा रहे हैं। शाम 4 बजे तक शहरी यहां से पौधे वसूल कर सकते हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, शाहिद नाम है उनका। क्या कहेंगे इस कैंपेन के हवाले से जो आज है और पौधे लेकर जा रहे हैं? बड़ी अच्छी कैंपेन है जी ये। चीफ मिनिस्टर साहब की एक बड़ी एफर्ट है कि पंजाब जो है गवर्नमेंट जो है उनको वो उनको जो है एक तरह से वो मोटिवेट कर रहे हैं कि हर बंदा जो है वो इस तरफ आए और पंजाब को सरसब्ज बनाए। बहुत अच्छी मैं चूँकि एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ और मुझे तो ये बड़े छीन की काफ़ी बड़ी अच्छी लगी है और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। ये अप्रिशिएट करते हैं शहरी हैं कि इस वक्त हमारे साथ जावेद हामिद मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप, पीएचए के ऑफिसर हैं, अब कितने बजे तक और कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं ये? 12,000 पौधे पीएचए जोन 1 में आज लगा रहा और दो जगह पे दुबई चौक और ये मियाँ प्लाजा। एक बशर दो शजर के हिसाब से हम तकसीम कर रहे हैं, शनाख्ती कार्ड देख के, मोबाइल देख के। ये हमारे डीजी मियां गुलाम फरीद साहब का हुक्म है, वज़ीर आज़म की मुहिम ट्री फॉर पाकिस्तान के सिलसिले। वज़ीर आज़म की मुहिम ट्री फॉर पाकिस्तान की तहत जो है मुहिम के ज़रिए जो है वो आज मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो कैंप्स लगाए गए। अलामा इकबाल टाउन में दुबई चौक पर कैंप लगाया गया, जबकि जोहर टाउन में मियाँ प्लाजा जो है जोहर टाउन उसके बाहर ये कैंप लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि हर शहरी जो है वो शाम 4 बजे तक शनाख्ती कार्ड सिर्फ दिखाना है और दो जो है वो बहुत शुक्रिया। वज़ीरे हाउसिंग महमूद रशीद का दुबई चौक इकबाल टाउन में पीएचए कैंप का दौरा, जहां पर पंजाब को सरसब्ज़ शादाब बना रहे हैं वज़ीरे हाउसिंग की जानिब से ये कहा गया है। जबकि इस मौका पर उनका ये भी कहना है कि शहरी भी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। वाइस चेयरमैन हाफिज ईशान रशीद ने मेन रोड इकबाल टाउन में पौधा लगाया। डायरेक्टर पीएचए जोन 1 जावेद हामिद, डेप्यूटी डायरेक्टर ज़हीरुल हसन और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। तो आपको बताते चलें कि वज़ीर हाउसिंग की जानिब से दुबई चौक इकबाल टाउन में पीएचए कैंप का दौरा किया गया है। पंजाब को सरसब्ज़ शादाब बना रहे हैं वज़ीर हाउसिंग महमूद रशीद की जानिब से इस मौका पर यह भी कहा गया कि शहरी भी माहौल को बेहतर बनाने के हवाले से अपना किरदार अदा करें। क्लीन एंड ग्रीन मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज हो चुका है और मुख्तलिफ जोन्स में लाहौरियों को मुफ्त पौधे तकसीम किए जा रहे हैं। मुफ्त पौधे तकसीम करने के हवाले से मोबाइल गाड़ियां भी अपने रूट्स पर चल पड़ी हैं, इस वक्त अपने रूट्स पर मौजूद हैं। जबकि गाड़ी नंबर 1 जौहर टाउन, गादर टाउन, फैसल टाउन के इलाके में पाई जाएगी। गाड़ी नंबर 2 कैनाल रोड और ठोकर से लेकर जल्लो तक के एरियाज में मौजूद रहेगी। गाड़ी नंबर 3 सर्कुलर रोड और तमाम वॉल सिटी के तमाम एरियाज में आपको बता रहे हैं कि क्लीन एंड ग्रीन मानसून शजरकारी हर बशर दो शजर मुहिम का आगाज हो चुका है और मुख्तलिफ जोन्स में लाहौरियों को मुफ्त पौधे तकसीम किए जा रहे हैं। पीएचए की जानिब से ये कहा जा रहा है।